सैमसंग जल्द ही ए सीरीज के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी A90 लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कंपनी का सबसे सस्ता 5G फोन होगा। कुछ दिन पहले इसके रिटेल बॉक्स की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसके मुताबिक इसमें फ्रंट पैनल पर पतले बेजल्स के साथ इन्फिनिटी यू डिस्प्ले और बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। फोन में ऑक्टा कोर चिपसेट होगा जो स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर हो सकता है, जिसमें 8GB रैम और 128GB का ऑनबोर्ड इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसे माइक्रो HD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फोन में 6.7 इंच का AMOLED फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। रिटेल बॉक्स के मुताबिक फोन सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, हालांकि बैटरी साइज के बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी A90 5G फोन को लॉन्चिंग के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। ग्लोबल मार्केट में मौजूद सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के 5G वर्जन की कीमत 94,000 रुपीज है। इसी के चलते कंपनी कम कीमत के 5G फोन बाजार में उतारने पर विचार कर रही है। दोस्तों, बाजार में आने वाले हर न्यू गैजेट्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।